हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। जिस पंडित ने करवाई थी शादी, उसी पंडित के साथ भाग गई दुल्हन। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, आपको भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हमारे सामने मामला आ रहा है। आप लोगों को पता है कि बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, और अगर प्यार हो जाए तो प्यार में कोई सीमा नहीं होती है। ना तो जब प्यार हो जाए ना तो जात पात मानी जाती है और ना तो उम्र का कुछ लाइजा किया जाता है। प्यार कभी भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकता है, और प्यार को हर कोई इंसान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, और प्यार बहुत ही प्यारा भी होता है। पर कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो कि प्यार में गलत कहलाती है। आज हमारे सामने ऐसा ही एक मामला आया है, जो कि कुछ दिन पहले एक लड़की की शादी हुई थी इस गाँव में, और शादी होने के बाद जो शादी पंडित करवा रहा था उसने फेरे करवाए, सब चीजें सब जो भी रीति रिवाज है उसने पूरा करवाया, लड़की की विदाई भी करवाई। और लड़की जब दोबारा से अपने घर पे पहर में आई दोबारा से फेरे डालने के लिए, तब उस दौरान वहां पर लड़की मौजूद नहीं थी, क्योंकि कुछ जगह पर एक्चुअली जब लड़की आई थी तब उसी गांव में एक और भी शादी का समारोह रखा गया था, और उस शादी के फेरे लेने के लिए पंडित को उसी पंडित को बुलाया गया था वहां पर कि इस शादी का संपन्न उसी पंडित को करना है। तो वहां पर जब शादी चल रही थी तब वहां से अचानक से ही पंडित गायब हो गया, और जब छानबीन की गई तो पता चला कि थोड़े दिन पहले जिस लड़की की शादी हुई थी वो लड़की भी अभी अपने घर पे नहीं है, वो गायब हो चुकी है। उस पंडित का नाम विनोद बताया जा रहा है, और जब छानबीन की गई तो पता चला कि विनोद पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, और जिस वक्त वो गायब हुआ है वो उसके जो परिवार वाले हैं वो भी वहां पर नहीं मौजूद है। पर अभी इस वक्त दो बच्चे और वो पंडित की बीवी और वो खुद पंडित और वो जो दूसरी लड़की थी जिसकी शादी करवाई थी वो सब लोग गायब है, और ये सब चीजें बाहर निकल के आई हैं कि उस लड़की और पंडित का 2 साल से अफेयर चल रहा था, और ये सब चीजें झूठ बोली जा रही है। और उसी के साथ पुलिस स्टेशन में अभी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी तरफ से आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए कि आपकी लाइफ में शादी की क्या परिभाषा है, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।